Assalamualaikum guys, hope you all are doing well and welcome to just another vlog of mine. आज मुझे YouTube की बड़े अरसे बाद एक पेमेंट आई है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को सबसे पहले सहरी करवाऊँ। ये जगह हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं की। वैसे क्या डिसाइड किया, किस जगह पर जाना? चलते हैं अभी जाके देखते हैं, कल बर्ग में कहीं रिजर्वेशन पहले करवानी पड़ती है, तो मैं सोच रहा हूँ जुनून करवाता हूँ, जुनून ट्राई करते हैं। टाइम इस वक्त हो चुका है 12:18। हमारे पास सिर्फ 12 मिनट रह चुके हैं जिसमें हमें पहुंचना है। 12:30 बजे हमारी स्लॉट जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। रेस्टोरेंट पे हम लोग आ चुके हैं, चलते हैं अंदर। हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्या क्या है। 12:32 हो गए हैं, खाना अभी तक नहीं लगा। क्या बाकी मेंबर्स भी नहीं आ रहे? बाकी मेंबर्स कोई नहीं आ रहे, सिर्फ हम तीन ही हैं। हम तीन या हम दो? हम तीन, ये भी है। स्टार्ट हो गए अभी। मुझे हमजा की प्लेट बनानी है क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई है, तो ये काम भी मैं ही करूँगा। 2000 years later। तो गाइस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। मैंने इफ्तारी भी नहीं की थी सिर्फ इसलिए कि आज मैं एक तगड़ी सी सहरी करूँगा। तो सहरी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो चुकी है, भाई की तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तगड़ी हो चुकी है। ये कम से कम तेज काफ़ी ज़्यादा खाया क्या आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये साथ लस्सी भी दिखाओ, आए खाने का मज़ा ही आता है कि आके हाथ चिप चिप कर रहे हैं। अच्छा आप वो फूड ब्लॉगर दीन चौधरी को जानते हैं? हाँ उसी के रेस्टोरेंट है, उसने वीडियोस देखा करता था, मतलब अच्छा कंटेंट है। पाकिस्तान के फूड ब्लॉगर हैं। मेरा जब कुछ खाने को देसी खाने को दिल कर रहा होता है, मैं उसकी वीडियो स्क्रॉल करके जाके फिर मैं खाता हूँ। मुझे अदील भाई भी मिल गए जिनका ये बेसिकली रेस्टोरेंट है। अदील भाई कैसे हैं आप? बहुत पास रखा है, मुंह बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा अदील भाई, हाउ इज़ द जर्नी ऑफ दिस रेस्टोरेंट, और ये मतलब कहाँ से आपने इनिशिएटिव लिया कि आपके रेस्टोरेंट बनाना चाहिए? जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग सो फार। और जो रेस्टोरेंट का आइडिया था वो बहुत पुराना था, और शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा खाने पीने का, खाने को समझने का और खाने की रेसिपी बनाने का। जो रेसिपी ऑलरेडी बनी होती है उनको समझने का, ये कैसी बनी है। Exactly. वो किसी चीज़ में डिफरेंट टेस्ट आ रहा था उसको, मुझे क्यूरोसिटी थी कि कैसे आ रहा टेस्ट या किस चीज़ का, तो वो बस साथ ग्रो हुआ। और रेस्टोरेंट जो था वो अल्लाह ने हिम्मत दी और हाथ पकड़ा और बन गया। ये समझ नहीं कैसे बना लेकिन बन गया। माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। आई एम ऑनेस्टली लविंग देयर स्वीट कॉर्नर। ये फ्रूट केक्स हैं, फ्रूट बकलावे हैं, ये बकलावे हैं और ये केक्स हैं। बकलावा टाइप लग रहे हैं सारे, है ना? ये कीवी केक है और ये बकलावा है। हाँ। और इसको कहते हैं अपना वो कुनाफा। कुनाफा तो टर्किश होता है, यहाँ पे क्या? अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं कहूँगा कि भाई हाँ वाकई ये बात है, मैंने अभी तक जितने भी बूफेस ट्राई किए हैं मुझे लगता है कि उनमें से सबसे बेहतरीन मुझे ये लगा। अभी तक तो नहीं, मतलब सहरी में अभी तक जितने भी मैंने ट्राई किए हैं। आपको कैसा लगा? द फूड वॉज गुड, बट द मोस्ट थिंग इज दिस लाइक सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इधर? मुझे चांप मसाला भी अच्छा लगा, वो दैट वाज टू गुड। मतलब अच्छी थी, कहते हैं टेस्ट में भी और क्वालिटी भी अच्छी थी हर चीज़ की। मैं वेट कर रहा हूँ सैम, पता नहीं किस दिन अब सैरी करवाने लगे। इसने कहा था कि दूसरे हफ्ते में करवाऊंगा। दूसरे हफ्ते में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं भाई। आई हैव डन माई टर्न, मास की आज थी और द नेक्स्ट पर्सन विल बी माय ब्रदर, सो आई डोंट नो व्हेन ही इज गोना डू दैट। कब कब लाना? गरीबो तेरा भाई कह रहा है मूड स्विंग्स ने मुकदे पे। इसके मूड स्विंग्स आ रहे हैं यार, कि ऐसा मूड स्विंग आता है जिसमें अब हमें सैरी पर ले चले इफ्तारी पे। नहीं अच्छा ये वही कह रहे हैं, बिल तो मैं दे रहा हूँ। ये समाज की तरफ से थी सैरी, लेकिन बिल जो है वो सैम दे रहा है। इसकी बारी भी आएगी। मेरे पैसे सैम के अकाउंट में होते हैं, इस वजह से बात है। बस किसका नाम लिखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दिल देख के ना। ये पकड़ो, बाहर आ गया। तुमने जो इनका जुनून वाला का स्विच तोड़ा है पांव के साथ, वो तोड़ दिया। इसमें पैसे भरो, पैसे भरो। मैं कहता हूं देख किस तरह का स्विच तोड़ा। चलें क्या के आ जाइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के जाओ। जल्दी से मुझे थैंक यू कह दो सैरी के लिए। थैंक यू सो मच वास खान फॉर ग्रेट हॉस्पिटैलिटी एंड सहरी। एनी थिंग यू वुड लाइक टू से? आई एम टॉकिंग टू यू मैन। सॉरी आई टेल यू, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस थिंग। आई एम फीलिंग सो डिजी बिकॉज़ आफ्टर ईटिंग लाइक आई कैन स्पीक अ लॉट। इनके मुँह में छाले बन गए, इन्होंने कुछ ज़्यादा खा लिया। अजीत चौधरी से मिले भी हैं लैदा में हमजा भाई। आई डोंट नो अब छाले बन गए, मुँह में क्या हो गया समझ नहीं आ रहा।
बिल का इसके अंदर डाला भाई। आई एम वेटिंग फॉर सैम के कब इफ्तारी करवाते हैं, मेरा मेजर ब्लॉग होगा जब भी वो इफ्तारी करवाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।